खबर जबलपुर से। पिता के हाथ कट गए, मां गृहिणी है, सिर पर छोटी बहन और भाई को पढ़ाने घर चलाने की जिम्मेदारी है। सपना ये भी कि कच्चे घर को पक्का कर दे, लेकिन 6 साल की बचत एक जालसाज ने जीजा बनकर ऐंठ लिया। जबलपुर शहर में नर्स की जॉब कर रही कटनी निवासी युवती ने गोहलपुर थाने और SP कार्यालय में शिकायत दी है। कटनी निवासी आरती पटेल शहर में एक निजी अस्पताल में पिछले 6 साल से नर्स की जॉब करते हुए खुद भी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। इसके साथ छोटी बहन BSc और छोटा भाई 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। घर में पिता और माँ है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अब घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। आरती के मुताबिक 8 मई रविवार को उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने मौसी की जेठानी की बेटी गुड़िया का नाम लेते हुए बोला कि वो उसका पति बोल रहा है। उसे कुछ पैसे मंगाने थे लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। उसने आरती से कहा कि वो अपने खाते में पैसे मंगवा ले, बाद में उससे ले लेगा। वही जालसाज ने उसके मोबाइल पर 9 बार लिंक भेजा। हर बार लिंक ओपन करने पर उसके खाते से पैसे कटते रहे, पर उस समय मैसेज नहीं आया। वही खाते से कुल 1,28,000 रुपये निकल गए। जब उसके मोबाइल पर मैसेज आए तो रात हो चुकी थी, जालसाज का नंबर भी बंद हो चुका था। सुबह गोहलपुर थाने और फिर SP कार्यालय साइबर सेल में शिकायत करने पहुंची। आरती के मुताबिक उसने आर्मी में कार्यरत अपने जीजा से बात की, जो उन्होंने किसी तरह से कॉल ना करने की बात कही है। पुलिस मोबाइल नंबर और कैश ट्रांजेक्शन खाते के आधार पर जांच में जुटी हुई है।